जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो है ओके सो इट इज़ अ नॉन एम टी इट हैज़ सर्टेन मेंबर्स ओके विच कंस्टीट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस आई ई ई वन ई टू ई एन आर पेयर वाइज डिसजॉइंट तो ये सब कंडीशन हमने पहले लेक्चर नंबर नाइन में डिस्कस कर चुके कर चुके हैं राइट एंड ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई एन इज इक्वल्स टू एस एंड ए इज़ एनी इवेंट विच इज़ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी तो हम बेस थियरम के हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ यू रिमेंबर इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई बट इट इज़ डिफिकल्ट बिफोर बेस थियरम इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है बट बाई यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए हम एक एग्जाम्पल एक भी लेने वाले हैं सो दैट द थिंग्स विल गेट क्लियर बट बिफोर दैट लेटेस्ट

तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ई आई राइट ओके नाउ पी ए इज़ एज इट इज बट वट वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी वाला थियरम है वो अभी हम अप्लाई करेंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया सो समेशन ऑफ जे इक्वल्स टू वन टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई जे तो इस तरह से हमने ये बेस थियरम है वो प्रूव कर दिया सो यू जस्ट हैव टू रिय रिमेंबर दिस पार्ट ओके ये आपको याद होना चाहिए कैसे सोल्व करना है और वो आपको ऐसे याद रह ही जाएगा एज यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस थियरम बट या वन मोर थिंग कुछ रिमार्क्स है तीन पॉइंट्स है जो हमें याद रखने कुछ टर्म्स है एंड द सेम टर्म्स विल बी कैरीड आउट वेन यू विल बी इन इंजीनियरिंग स्पेशली इंजीनियरिंग रिसर्च में जब आप जाओगे तो उसमें ये वाली टर्म्स फिर से आपको रिपीट होने वाली है राइट right? तो ये जो इवेंट्स हमने ले रखी थी ई वन ई टू ई एन ओके सो दे आर कोल्ड हाइपोथेसिस ओके एंड सेकेंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई आई ओके इज कॉल्ड प्रायरी प्रोबिलिट प्रोबेबिलिटी ओके इसे क्या बोलते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथीसिस ई आई राइट और थर्ड पॉइंट है पोस्टरि के बारे में सो दट इज पी ऑफ ई आई गिवन एकेट इज नोन एज अ पोस्टरिरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथिस ई आई तो ये तीन टर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए एक हाइपोथिस सेकेंड इज प्रायरी प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड वन इज द पोस्टररी प्रोबेबिलिटी राइट सो लेटस डू वन एग्जाम्पल हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन जो इसके बाद है बैग वन कंटेन्स थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स वाइल अनदर बैग टू कंटेन्स फाइव रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स तो हम लेते हैं यहाँ पे ये बैग वन है ये बैग टू है ओके बैग वन में थ्री रेड बॉल्स हैं एंड बैग वन में फोर ब्लैक बॉल्स है राइट वाइल बैग टू में फाइव रेड बॉल्स आर देर एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स आर देर राइट तो ये हमारी थोड़ी सी समरी हो गई राइट वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड ओके जो बॉल हमने निकाला है वो रेड था ये हमें मालूम पड़ा तो फाइंड द प्रोबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू तो देखो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का कैश हो गया ओके okay? तो हमें यह सॉल्व करना है सो लेटेस्ट स्टार्ट लेटस्ट से इवेंट ईवन इज द चूजिंग अ बॉल फ्रॉम बैग वन इवेंट ई टू इज चूजिंग द बॉल फ्रॉम बैग नंबर टू राइट सो यहाँ पे दो ही बैग्स हैं ओके तो मैं इसके बारे में ये लिख सकता हूँ कि इफ़ वी हैव टू बैग्स एंड इफ़ आई हैव टू चूज देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बैग इज़ वन हाफ राइट प्रोबेबिलिटी फॉर ई वन इज वन बाई टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इज ऑल्सो वन बाई टू राइट नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल लेकिन ड्रॉइंग अ रेड बॉल कहाँ से लेना है हमें इट कैन बी फ्रॉम बेग वन ऑल्सो और इट कैन बी फ्रॉम बेग टू ऑल्सो तो इसको हम कैसे लिखाएँगे सो पी ऑफ ए गिवन ई वन वट इज दिस प्रोबेबिलिटी दैट आई हैव ड्रॉन अ रेड बॉल फ्रॉम अ बेग वन राइट ओके तो हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन बेग वन सो फोर प्लस थ्री सो सेवन बोल्स आर देर तो यहाँ पे सेवन टोटल बोल्स आउट ऑफ देम हाउ मेनी आर रेड सो थ्री आर रेड तो इसीलिए पी ऑफ ए गिवन ई वन होगा थ्री बाई सेवन सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू कैन बी गिवन एज तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यू हैव ड्रॉन अ रेड बॉल फ्रॉम द बेग टू उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है राइट right?

ऑलरेडी रेड बॉल इज ड्रॉन तो ये इवेंट हो चुकी है राइट right? तो उसको हम कैसे लिखेंगे जो इवेंट हो चुकी है सो so गिवन के बाद आपको लिखना है तो रेड बॉल इज ड्रॉन ओके कौन सी बैग में से ड्रॉ हुआ है वो हमें लिखना है सो इट इज फ्रॉम बैग टू सो आई विल राइट दैट इट इज ई टू तो इस तरह से आपको ये लिखना है ओके नाउ दैट कैन बी गिवन इज यू हैव टू अप्लाई बेस थियरम सो बेस थियरम का अगर हम फॉर्मूला देखें, ओके सो यू कैन सी दैट पी ऑफ ई आई की जगह आप उसको ई टू से रिप्लेस करोगे फिर स्लेस ए एंड देन आफ्टर यू राइट डाउन द इक्वेशन तो मैं यहां पे सेम टू सेम इक्वेशन लिख रहा हूं पी ऑफ ई टू पी ऑफ ए गिवन ई टू डिवाइड बाई सब का टोटल करना है तो सबसे पहले आएगा पी ऑफ ई वन पी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस पी ऑफ ई टू पी ऑफ ए गी वन ई टू राइट सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलक्युलेट तो अभी आपको कुछ नहीं करना है आप सिर्फ इसमें वैल्यू डालो वैल्यू डालोगे एंड यू विल गेट द आंसर बट इस तरह से बेस थियरम बहुत ही सिंपल है आपको एक ही इक्वेशन याद रखना है यू अप्लाई द इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर ठीक है थैंक यू